दोस्तों, ये एक निविया कंपनी की G2020 वॉलीबॉल है और ये पंचर हो चुका है। तो आज हम इसका पंचर बना रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो सोचा आपको एक वीडियो भी बना के दिखा दें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये पंचर है और हमने इस पर फेविक्विक भी लगा कर देखा था, पंचर उससे नहीं रुका, यहाँ वहाँ से हवा निकलने लगी। तो एक बहुत ही आसान तरीका होता है, वही आज हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर ये पेन से निशान लगा ले रहे हैं, यहाँ पर ये हमारा पंचर है। इसके बाद दोस्तों, जो हमें सामान चाहिए होगा वो ये है, एक अंडा और एक इंजेक्शन। और दोस्तों, इस बॉल की हवा हमने पूरी निकाल दी है, इस बॉल में अब बिल्कुल भी हवा नहीं है, खाली है। तो ये 20 ml का इंजेक्शन हम लेंगे। ये देखिए, ये 20 ml का इंजेक्शन है और ये निडल इसके साथ ही आती है इंजेक्शन के। ये किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको आसानी से मिल जाएगा। और हमें ये एक अंडा चाहिए। तो दोस्तों, अभी हमें क्या करना है, अंडे को फोड़कर किसी आप कटोरी में या किसी कप में, किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। ये इस तरह से हमने निकाल लिया एक कटोरी में। अब दोस्तों, ये बॉल में हम हवा भरने वाली पेन है जो, इसको पूरा अंदर तक डाल देंगे, जिस पेन से बॉल में हवा भरी जाती है, ताकि ये हमारी जो निडल है इसके अंदर आसानी से जा सके। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बॉल के अंदर हवा वाली पेन ज़रूर डाल दें। अब दोस्तों, ये इंजेक्शन में हम अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट जो है पूरा भर लेंगे, पीला वाला जो हिस्सा है उसको नहीं टच करना है, सिर्फ सफ़ेद वाला हिस्सा जो है अंडे का, उसको हमें इंजेक्शन में लेना है। उसके बाद दोस्तों, ये जो निडल है इंजेक्शन की, अच्छे से टाइट करके लगा देंगे और हमारी जो बॉल में ये हवा भरने वाली पेन है इसके अंदर इसको डालकर धीरे धीरे इस अंडे को बॉल के अंदर पहुंचाना है। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, आप डायरेक्ट निडल को बॉल में नहीं डालेंगे, पेन ज़रूर ध्यान से लगा लीजिएगा, तो हमारे ब्लेडर का बाल जो है वो ख़राब नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको ये बॉल लेना है तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाई थी, बहुत ही अच्छी बॉल है, तो आपको अगर लेना तो आप वहाँ से ले सकते हैं, निविया कंपनी की है ये। अब दोस्तों, हम ये पेन निकाल लेंगे, अंडा हमने तो पूरा डाल दिया है और इसको करीब 10 से 15 मिनट अच्छे से हिला लेंगे, तो अंडा जो इसमें डला है वो पूरे ब्लेडर में अंदर फैल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हमें इसमें हवा भरना है और हवा भर के आप इसको 24 घंटे के लिए रख देंगे। 24 घंटे बाद आपकी बॉल रेडी है। ये दोस्तों तरीका बहुत ही अच्छा है, 100% काम करता है। इस तरीके से आप आसानी से अपनी बॉल का पंचर बना सकते हैं।